ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मिलितं मेन तस्मै श्रीगुर्वे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमिन् भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति शब्दान्तिकम् नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिनि नमस्ते सरस्वतिदेवं गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात् देशतारिणी जय कृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय गोपाल भगवान श्री कृष्ण परम दयालु हैं उनको प्रणाम करनी चाहिए प्रणाम करने से हमारे हृदय में प्रभु का प्रेम भरता है तो हमें हर्ज क्या है प्रभु का प्रेम तो परम पवित्र है और परम गति प्रदान कराने वाला है तो अगर हम भगवान श्री कृष्ण को उस परमेश्वर को प्रणाम करें गोविंद को गोपाल को तो हम हमें हर्ज नहीं ये परमलाभ है आइए परमलाभ लेने के लिए आप भी मेरे साथ भगवान को प्रणाम कीजिए मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, सत्संग प्रेमी जनों, आपको मेरा भी प्रणाम जय गोपाल जय श्री कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवायो ओम नमो भगवते वासुदेवायो ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदिरेत। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती की ओ शांति 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 भवतु सुशाति भागवत गीता में नौवे अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन मुझे प्रणाम करो हे अर्जुन मुझे प्रणाम करो भगवान अपनी प्राप्ति का साधन बतला रहे हैं जीव मात्र को भगवान को प्रणाम करनी चाहिए यह जानकर कि भगवान के ही कारण ये धरती टिकी हुई है ये चांद तारे अपने कक्ष में घूमते हैं हमारा जीवन सुखी बनाते हैं बारिश होती है शुद्ध वायु चलती है बहती है जल पीने को हमको मिलता है अन्न खाने को मिलता है ये सुंदर मस्तिष्क भगवान की देन है साइंटिस्ट इसको बना नहीं सके हैं तोड़ फोड़ तो कर दी है काफी लेकिन बना नहीं सके हैं साइंटिस्ट एक पत्ता भी नहीं बना सके एक फूल भी नहीं बना सके ये सारा सृष्टि चक्र भगवान के हाथ में है इस सृष्टि चक्र को ही भगवान का सुदर्शन चक्र बोला है इसके दर्शन कीजिए तो आपका मन करेगा कि हम भी भगवान को प्रणाम करें इस सुदर्शन में भगवान अनंत ब्रह्मांडों के मालिक है हमारे ब्रह्मांड के भी हमारे ब्रह्मांड को व्यवस्थित किया है भगवान ने बहुत सुचारू रूप से चलाया है चल रहा है ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है चौरासी लाख योनियों का बीज बनाते हैं ब्रह्मा जी जो ब्रह्मांड की प्रथम आत्मा है और जिनका धाम यानी ब्रह्मलोक हमसे बहुत दूर है ये ब्रह्मांड बड़ा विस्तार वाला है ये पृथ्वी ब्रह्मलोक से बहुत दूर है जैसा कि मैंने बतलाया था कि ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत बड़ा होता है एक हजार चतुर्युगी का एक दिन होता है ब्रह्मा जी का और हमारा एक दिन बारह घंटे का होता है केवल बारह घंटे का इसको चार प्रहर बोलते हैं रात और दिन को अष्ट प्रहर आठ प्रहर बोलते हैं संस्कृत भाषा में तो ब्रह्मा जी का दिन होता है एक हजार चतुर्युगी का एक चतुर्युगी बावन लाख ,00 वर्ष की होती है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये एक, एक ही एक चक्रयुगी चार युगों की एक चक्र सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग ये कितने का होता है बावन लाख ,00 वर्ष का और ऐसे एक हजार चक्र यानी बावन लाख वर्ष में और एक हजार इंटू एक हजार कर दीजिए यानी बावन लाख ,00 में तीन बिंदी और बढ़ा दीजिए तो इतने समय का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है ऐसे ब्रह्मा जी की आयु सौ वर्ष है तो हमारी आयु ब्रह्मा जी की आयु के सामने मॉस्किटो जैसी भी नहीं है और किसी जर्म के जैसी भी नहीं है यह ऐसा भेद क्यों ये भेद है सौर्य मंडल के भ्रमण के कारण और गति के कारण और ब्रह्मांड के अलग अलग ग्रह उपग्रह स्वर्ग लोग के ग्रह उपग्रह अलग हैं उनकी गति कुछ अलग है वहां के जन्म लेने वाले का शरीर बड़ा स्पेशल है जो लाख वर्ष जिंदा रहे हमने जहां पर पृथ्वी पर जन्म ले रखा है इसका शरीर इतना ही क्षमता रखता है कि सत्तर और सौ वर्ष जी जाए तो बहुत हो गया सौ वर्ष जी गया एक सौ पांच वर्ष जी गया बहुत अति हो गई कि एक सौ पच्चीस वर्ष जी गया इस पृथ्वी पे सतयुग में लोग ज्यादा जीते थे तो उस समय गति कुछ गति चाल ग्रह नक्षत्र की हमारी पृथ्वी की कुछ और थी तो उस क्लाइम क्लाइमेट में उस परिस्थिति में उस वातावरण में मौसम में कुछ बदलाव विभिन्न और तरह के थे उस समय जो शरीर पैदा होते थे उनकी आयु एक लाख वर्ष होती थी पृथ्वी के ऊपर आज जन्म ले रहा है उसकी आयु कम है त्रेता में घटकर के दस हजार वर्ष रही द्वापर में एक हजार वर्ष का मनुष्य होता था इस, इसी पृथ्वी के ऊपर लेकिन कलयुग में इसकी आयु सौ वर्ष शास्त्रों में आ की है वर्णित है बुरे व्यसन करने के कारण अभी सौ वर्ष आयु नहीं है अस्तन तो आयु चालीस वर्ष रह गई है मनुष्य की छोटे बड़े सभी को मिला के जब कैलकुलेशन किया जाता है तो चालीस वर्ष में मनुष्य खत्म हो जाता है तो कोई साठ वर्ष में हो रहा है कोई पैंसठ वर्ष में हो रहा है कोई अड़तालीस वर्ष में हार्ट अटैक हो गया कोई बचपन में ऐसे ही गुच चला गया कोई जन्म लेने के तीसरे ही दिन चला गया किसी को रोग हो गया शादी भी नहीं हुई चला गया कैंसर हो गया कुछ और ट्यूमर हो गए ब्रेन में खोल दी खोपड़ी डॉक्टरों ने चला गया तो सौ वर्ष तक पहुंचना असंभव जैसा हो जाता है कोई कोई बिड़लाई आजकल सौ वर्ष तक पहुंच रहा है नाइनटी थ्री का हो गया बहुत हो गया एटी फाइव चला गया बहुत हो गया लोग तो फोर्टी एट हार्ट अटैक हो रहे हैं चले जाते हैं औस्तन आयु चालीस वर्ष रह गई आगे आके और भी कम होगी प्रदूषण के कारण हमारी फल फ्रूट अन्न जो भी हम खा रहे हैं सब में तो केमिकल मिले हुए हैं सब में फर्टिलाइजर ऐसे डालते हैं खेतों में इंजेक्शन लगा दो पम्पकिन में शाम को छोटा सा पम्पकिन है इंजेक्शन लगाओ सुबह फूल के ऐसा हो जाता है तो लोग पम्पकिन के पीछे इनाम प्राप्त पम्पकिन ही नहीं हरे फर्टिलाइज किया जा रहे गेहूं को चावल को सबको तो वो स्वाद नहीं है वो टेस्ट नहीं है बल्कि कुछ 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 गड़बड़ी हो गई है सभी खान पान में फिर लोग बाग पहले कुछ कभी इस धरती पर जो है सतोगुण प्रवृद्ध हो जाता है तो लोग शुद्ध खान पान करते हैं शुद्ध क्लाइमेट में रहते हैं शुद्ध वातावरण पैदा करते हैं एक मौसम तो आता है भगवान की ओर से वो तो परम शुद्ध होता है एक मौसम हम बना देते हैं प्रदूषण पैदा करके तो प्रदूषण से जो मौसम परिवर्तन हो जाता है तो लोग परिवर्तन हो जाते हैं मस्तिष्क के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ता है मस्तिष्क परिवर्तन हो जाते हैं भगवान को प्रणाम करना चाहिए उनका हमको आभार प्रकट करना चाहिए धन्यवाद देना चाहिए हर बात पर भोजन करते समय पानी पीते समय वस्त्र आभूषण धारण करते समय कार में बैठते समय दफ्तर जाते समय सुंदर घर में प्रवेश करते समय अपनी पत्नी से बातचीत करते समय एक दूसरे के दर्शन करते समय बच्चा पैदा होता है भगवान को प्रणाम करनी चाहिए धन्य हो प्रभु मुझे एक बालक दिया अर्जुन को भगवान यही कह रहे हैं कि अर्जुन मुझे प्रणाम कर प्रणाम करने से तो पवित्र हो जाएगा भगवान को प्रणाम करनी चाहिए सभी को सुबह शाम दोपहर जब जहां आपका भाव प्रकट हो प्रणाम करनी चाहिए भगवान कि जय हो भोजन की थाली पे बैठे प्रभु को प्रणाम कर दो भगवान को आह्वान कर दो कि आओ मेरे प्रभु क्रिश्चियन लोग भी भगवान की प्रार्थना करते हैं भोजन करने से पहले मुसलमान भी करते हैं हिंदू भी करते हैं सबको करनी चाहिए सिख भी करते हैं भगवान के अरदास करते हैं भगवान को भोग लगाते हैं हम सबको करना चाहिए यह हमारा धर्म है किसी का आभार प्रकट करना हमारा धर्म है कोई आपको जल पिलाता है प्यासे हैं तो आप धन्यवाद देते हैं दे देना चाहिए कोई आप अटक गए हैं किसी ने आपका काम सुलझा दिया तो आपको धन्यवाद देना चाहिए उसको प्रणाम करके करनी चाहिए कि धन्य है आप यह आपका बढ़प्पन है इससे आप विस्तृत होते हैं सुकड़ते नहीं भगवान को प्रणाम करने से आप विस्तृत होते हैं क्योंकि भगवान में यह सारा संसार समाया हुआ है कहिए कि सारा ब्रह्मांड ही भगवान का एक स्वरूप है जिसको विराट रूप कहा है ऐसे ही अनंत में फैली हुई ब्रह्म ज्योति है वो भी भगवान का एक स्वरूप है और ब्रह्म ज्योति से भी परे स्वयं भगवान मुरली बजाते हैं सुंदर श्याम कमल पत्राक्ष कमल के नेत्र वाले कमल के फूल की पंखुड़ी होती है कमल का फूल आपने देखा हो तो कितनी सुंदर शीतल नाजुक लड़ाई लिए हुए गुलाबी जैसी पंखड़ियां होती हैं तो दो पंखड़ियों को उठा के यहां लगा दो ऐसे भगवान की सुंदर शीतल दया भरे करुणा का सागर जिनमें लहराता है ऐसे शीतल सुखद आनंद देने वाले नेत्र हैं कमल नेत्र कमल पत्राक्ष उनको कहा है कमला के वो पति हैं कमला यानी पूरा वैभव ये पूरा ब्रह्मांड उनका है जिसमें हम रह रहे हैं ब्रह्मा जी के सामने भी हमारी स्थिति एक जर्म जैसी जर्म जैसी है तो उनकी कृपा है उस प्रभु की जो इतने सिस्टम से ये ब्रह्मांड उन्होंने बनाया चला रहे हैं ब्रह्मा जी बनाए स्वर्ग लोग बनाए मर्त लोग बनाए पाताल लोग रसातल बनाए नरक लोक भी बनाए शंकर भगवान भी इस सुंदर हिमालय के ऊपर कैलाश पर्वत में विराजमान किए शंकर भोले को देख के आपको याद नहीं आती कि एक दिन हमको मरना है इसलिए तो शंकर भगवान को कैलाश पर बैठाया कि आपको याद आती रहे कि हमको भी मरना है ये प्रलय के देवता हैं तो प्रलय के देवता को देख के भी आपको मृत्यु याद नहीं आए यमराज को देख कर के भी किसी को मृत्यु की याद नहीं आए तो वो मूर्ख है जब हमको मृत्यु की याद बनी रहेगी कि हमको भी एक दिन मरना है तो हमारे हमारे दिनचर्या कुछ और होगी हमारा अहंकार घट हो जाएगा कर, कम हो जाएगा और हम अच्छे काम में लग जाएंगे हम भूल गए हैं कि हमारी मृत्यु नहीं होगी जैसे एक बकरा एक बकरे को कसाई काटने ले जा रहा है दूसरा बकरा घास खा रहा है ऐसे ही हमारी हालत हो गई है आपके सामने लोग मर मर के जा रहे हैं ग्रेवयार्ड शमशान में और आपको होश नहीं है यही हमारे आंखों के ऊपर काली पट्टी तेली के कोलू के बैल की तरह ये गीता माता का ज्ञान आपकी वो काली पट्टियों को खोलता है और आपको दर्शन कराता है इस प्रभु के हे अर्जुन मुझे प्रणाम करो मन मना भाव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करु मुझे प्रणाम कर अर्जुन मेरा भक्त बन प्रणाम प्रभु को प्रणाम करना भी प्रभु की ओर जाना है प्रणाम करते करते प्रेम हो जाता है प्राणी का परमेश्वर में जो प्रणाम ही नहीं करते उनके अंदर प्रेम नहीं उनके हृदय में अहंकार व्याप्त हो जाता है अहंकार भरा रहता है अहंकार की गांठ पड़ती चली जाती है हृदय के अंदर और यह अहंकार ही एक दिन उसको मृत्यु की ओर ले जाता है और एक बार ही नहीं बार बार मृत्यु की ओर ले जाता है अंति नहीं आता हजार बार मृत्यु की ओर ले जाता है लाख बार मृत्यु की ओर ले जाता है कभी मनुष्यों में डालता है कभी गधे घोड़ों में डालता है कभी कुत्ते बिल्लियों में सांप कंछड़े बिच्छुओं में डालता है मेंढक गिद्ध में डालता है गिद्ध का नाम आया आपने कभी गिद्ध को किसी जानवर को मार के खाते देखा है मैंने तो नहीं देखा मैं ऐसे इलाकों में भारत में रहा हूं जहां बहुत गिद्ध लेकिन वो मरे हुए पशु के ऊपर ही आते हैं उनको खाते हैं मैंने किसी गिद्ध को जानवर को मार के खाते नहीं देखा जैसे चील खाती है बाज खाता है और भी जानवर खाते हैं एक दूसरे को गिद्ध को मैंने बड़ा शांत देखा और जो भी पशु मरे चाहे दस कोस पे मरे पांच कोस पे मरे गिद्ध बड़ा ऊंचा उड़ता है गिद्ध की आंखें बड़ी तेज होती हैं, पक्षियों में सबसे तीव्र आंखें गिद्ध की होती हैं रामायण से तो प्रमाण मिलता है कि गिद्ध ने ही सीता जी की सीता जी को देखा था अशोक वाटिका में बैठे हुए और उस बात को हनुमान जी इत्यादि जा इत्यादि लोगों से कहा कि मैं देख सकता हूं लेकिन जा नहीं सकता क्योंकि मेरे पंख जल गए संपाती नाम का गिद्ध था वो तो गिद्ध जो है मरे पशु को तो खाता है लेकिन मार के नहीं खाता किसी को सताता नहीं लेकिन कौवे सताते हैं कौवे जिंदे पशु में ही कहीं कोई लग जाए कुछ घाव वगैरह तो मैंने देखा कलकत्ता के चिड़ियाघर में वो जेराफ जिराफ जो होता है इसको पीठ में पीछे को एक घाव पड़ा हुआ था और दो कौवे थे वो बारी बारी ओ बार बार जो है उसके ऊपर आके उसको खाते थे उस घाव को फैलाते थे वो तड़पट था छटपटाता था जिराफ कौवे खाते हैं कौवे जिंदा का भी खाते हैं गिद्ध मुर्दा का खाता है मार के नहीं खाता मैंने सुना भी नहीं देखा भी नहीं लेकिन ये मनुष्य जाति न जाने क्या क्या करती है किस किस को मार के खा जाती है अबोर्शन जो बच्चे गर्भपात होते हैं उनको भी डॉक्टर बेच देते हैं और खरीदने वाली खरीदते हैं भून के खा जाते हैं नर नर को खा रहा है नर नर नरबक्शी होते रहे हैं शास्त्रों में इस नाम है नरबक्षी तो ये पहले भी रहे हैं अभी भी हैं, लेकिन मनुष्यों में ही है कुत्ता कुत्ते को नहीं खाता सिंह सिंह को नहीं खाता गधा गधे को नहीं खाता गधा घास खाता है बेचारा वो क्या गधे को खाएगा ऊंट ऊंट को नहीं खाता ऊंट भी घास ही खाता है लेकिन मनुष्य मनुष्य को भी खाता है फिर दूसरों की तो कहना ही क्या है चाहे हाथी हो क्रोकोडाइल हो गाय हो बैल हो सांड हो नंदी बाबा सबको के खा रहे हैं बचा किसी को नहीं रहे गंदी मक्खियों को भी नहीं छोड़ते नहीं तो फिर भगवान की जान पहचान कैसे हो हमारे शुद्ध आहार की कैसे हमको भनक मिले कि हमारा आहार क्या है हम भगवान को प्रणाम करते नहीं तो अंधकार में रहते हैं अंधा जीवन जीते हैं ऊंट को मालूम है ऊंट अपनी घास को खाता है बकरी अपनी घास को खाती है ऊंट भैंस गाय की घास को नहीं खाता ऊंट की घास अलग होती है बकरी की भी गाय अलग घास होती है भैंस गाय की घास भी अलग होती है ये भी अपनी अपनी घास को पहचानते हैं जानते हैं और वो ही खाते हैं किसी भैंस को पंद्रह दिन तक एक खूटे के बांध दो कुछ मत दो खाने को सिर्फ पानी भर दो जिससे वो जिंदा रहे और जैसे ही सोलवे दिन जाकर के आप कुछ अच्छा मीट बना करके बकरा बना करके या मुर्गा बना करके या बीफ बना करके बड़ा स्वादिष्ट बना करके भैंस के आगे रखोगे ले भाई खा ले तू नहीं मर जाएगी लेकिन मैं आपसे सत्य प्रतिशत कह, सत्य कहता हूं कि भैंस नहीं खाएगी वो सूंग के दूर हट जाएगी प्राण त्याग देगी लेकिन नहीं खाएगी वो जानती है कि ये मेरा भोजन नहीं है धोखे से खिलाया जाता है धोखे से गायों को गाय का ही मांस खिलाया जाता है मनुष्य खुद धोखा खाता है और दूसरों को भी धोखा देता है क्यों क्योंकि भगवान को प्रणाम नहीं करता भगवान को प्रणाम नहीं करेगा तो गलती काम करेगा भगवान को प्राणाम करेगा तो प्रणाम करने से कुछ उसके हृदय में उसकी बुद्धि में कुछ शुद्धता पैदा होगी तो शुद्ध कार्य करेगा आहार शुद्धि सत्व शुद्धो सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति स्मृति लब्धि सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष वेदों के वाक्य वेद सूत्र है जिस व्यक्ति का आहार शुद्ध होता है भोजन आहार की रूपरेखा तो पांचों इंद्रियों से मिलती है हम पांच इंद्रिय हमारे शरीर में है इन पांचों से हम आहार लेते हैं आहार क्या एनर्जी जहां से हमको शक्ति प्राप्त होती है जीने की शक्ति वो एक तो रचना है हमारी जिव्या आंख है कान है नाक है स्पर्श है ये पांचों इंद्रियों से हम आहार लेते हैं तो ये पांचों इंद्रियों से जो आहार लेते हैं वो शुद्ध भी हो सकता है अशुद्ध भी हो सकता है तो जो अशुद्ध आहार लेते हैं वो तो अंधकार की ओर जाते हैं और शुद्ध आहार लेते हैं वो उजाले में बने रहते हैं आहार शुद्धि जिस व्यक्ति का आहार शुद्ध होता है उसका सत्व यानी अंतःकरण शुद्ध होता है मन शुद्ध होता है बुद्धि शुद्ध होती है विचार शुद्ध होते हैं उसका अहंकार भी शुद्ध होता है प्रभु की सेवा करने वाला अहंकार कर्म करने वाला अहंकार नहीं नरक की ओर ले जाने वाला अहंकार नहीं प्रभु की सेवा में लगाने वाला अहंकार झूठा अहंकार नहीं सच्चा अहंकार तो आए अंत करण आपके अंतःकरण शुद्ध होते हैं आहार शुद्ध करने से आपके कान हरी कथा सुने आपकी आंखें संतों के दर्शन करें आपकी जीव्या भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद खाए आपकी नासिका भगवान श्री के श्री विग्रह पर चढ़ाए हुए फूल उस फूल एक फूल आपको मिले उसको सोके प्रसाद की गंध ले कितनी सुगंध आती है प्रसाद में भगवान के कभी गुरुद्वारे गए हैं तो आपको मालूम चलेगा वहां कड़ा प्रसाद बोलते हैं हलवा बोलते हैं हिंदी में कड़ा प्रसाद देते हैं हाथों तो में खुशबू उठती है उसमें ऐसी खुशबू घर में आप बनाएंगे हलवा या कड़ा प्रसाद तो नहीं मिलेगी वो तो भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद है स्पर्श भी हम संतों के गुरुजनों के चरणों का करें शुद्ध भक्तों के आलिंगन करें मिल जाए आपको तो आप चरण स्पर्श करें शुद्ध भक्त के आलिंगन के अधिकारी तो सब कोई नहीं होता तो चरण स्पर्श करें शुद्ध भक्त अपने चरण भी स्पर्श नहीं करने दे तो उसके चरणों की बची हुई धूलि जब चरण चले गए उस धूलि को अपनी माथे पर चढ़ाए तो आपका ये स्पर्श है ये 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 भी आपका आपको शक्ति देता है स्पर्श अच्छी जगह स्पर्श करोगे तो आपको शक्ति मिलेगी बुरे का स्पर्श करोगे तो आपकी शक, स, 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 श, शक्ति क्षीण होगी आहार शुद्धि सत्व शुद्ध हो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा आहार शुद्ध करने से शुद्ध आहार लीजिए इसमें स्पेशली इस ली। ये हमारी रसना है टेस्ट स्वाद इसका महत्व अधिक बतलाया है कि इससे जैसा आहार करोगे तुरंत ये अप और डाउन करती है बुरा आहार करोगे तो ये डाउन करती है और अप आहार करोगे तो अप करती है ऊपर को उठाती है पवित्र बनाती है आपको शुद्ध आहार करोगे तो ये पवित्र बनाएगी अशुद्ध कर...